वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 अभियुक्त गिरफ्तार और 16 बाइक बरामद। आज 25 नवंबर को थाना सादतगंज की पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति दरगाह हजरत अब्बास की ओर से आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस फोर्स को देखकर सकपका कर भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस फोर्स द्वारा उन्हें दौड़ाकर मोटरसाइकिल रोककर दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम दानिश उर्फ मुन्ना उर्फ फहीम पुत्र अब्दुल रहमान वजीरबाग चरही थाना सादतगंज लखनऊ है, वह दूसरा दिलशाद उर्फ शिबू पुत्र सज्जन निवासी असरेंदा थाना मोरावा जनपद उन्नाव है। उनका वाहन TBS स्पोर्ट मोटरसाइकिल नंबर UP32HQ0462 को मोबाइल ई चलान ऐप से चेक किया गया तो मारुति अल्टो के टेन का दिखा रहा था। तत्पश्चात वाहन के चोरी होने पर चेचिस नंबर को मोबाइल ऐप पर चेक किया गया तो उक्त गाड़ी का नंबर गलत प्राप्त हुआ। पुलिस फोर्स को शक होने पर दोनों व्यक्तियों से कड़ाई पूछने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों मोटरसाइकिल चोरी करके बेचकर जीवन यापन करते हैं। ये मोटरसाइकिल हम दोनों ने गड़ी कनौरा थाना आलमबाग लखनऊ से चोरी किया था और इसका नंबर प्लेट बदलकर हम इस्तेमाल में ला रहे थे। उक्त दोनों व्यक्तियों से सख्ती से पूछने पर दानिश उर्फ मुन्ना उर्फ फहीम उपरोक्त ने बताया, साहब कुछ मोटरसाइकिल हमारे पास और भी है, जिसे हम लोगों ने टापे वाली गली अमरूद की बगिया में खजूर के पेड़ के पास दीवाल सटाकर खड़ी कर रखी है, जिसको साहिबे आलम की देखरेख में खड़ा कर रखा है, जिसको हम बेचने की फिराक में थे। इसी सिलसिले में हम जा रहे थे, तत्पश्चात इस सूचना पर थाना सादतगंज पुलिस द्वारा तीसरे व्यक्ति साहिबे आलम पुत्र वसी अहमद निवासी बैदन टोला थाना सादतगंज लखनऊ को पकड़ा, जिसके देखरेख में कई गाड़ियां खड़ी थी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। DCP पश्चिम ने पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है। थाना सादतगंज पुलिस द्वारा आज अंतर जनपदीय वाहन चोरों का गैंग अरेस्ट किया गया है। इनमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार है। तीनों अभियुक्त के पास से कुल 16 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जिनका कीमत लगभग 14 से 15 लाख है। गहराई से पूछताछ की जा रही है और भी वाहन बरामद होने की आशंका है। थाना सादतगंज टीम ने एक अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर की गैंग को पकड़ लिया है। ये कुल 3 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ लिया है। उनके पास से कुल 16 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। ये विभिन्न जनपद और विभिन्न थानों से जो विभिन्न जनपद के थाने में पंजीकृत जो चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब और भी पूछताछ चल रहे हैं। लगभग इसका कीमत 14 से 15 लाख रुपए अनुमानित लगाया जा रहा है। सर, इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये राजधानी लखनऊ के अलावा कहाँ कहाँ घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? ये कानपुर उन्नाव में भी जो घटना कर चुके हैं। इनकी क्रिमिनल इतिहास काफ़ी है। तीनों अभियुक्तों का क्रिमिनल इतिहास 8-8, 9-9 मुकदमे इनके विरुद्ध पंजीकृत है विभिन्न स्थानों में और भी पूछताछ चल रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर, गाड़ियाँ कहाँ से बरामद हुई? तो विभिन्न जगह से, कुछ जगह इन्होंने बेची थी, कुछ जगह रखे थे, तो और भी पूछताछ चल रहे हैं। तो और भी कहाँ कहाँ रखे हैं और कहाँ कहाँ बेची है, इसका गहराई से पूछताछ करके और भी बरामद होने की